सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको आज जो क्लास 11th का जनरल इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका सलूशन बताऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पैसेज का, तो उसमें से जो पांच क्वेश्चन थे ए के वो तो बन गए होंगे। हम बात करते हैं बी, डू आई डायरेक्टेड। तो पहला था गिव द नाउन फॉर्म ऑफ साइलेंट, तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा साइलेंस। फिर दूसरा था गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ डार्कनेस, तो इसका हो जाएगा ब्राइटनेस। फिर था गिव द पॉजिटिव डिग्री ऑफ वेस्ट, तो इसका हो जाएगा गुड। फिर दूसरा क्वेश्चन था नोट्स एंड टाइटल, तो वो तो बन गया होगा। हम बात करते हैं बी, डू आई डायरेक्टेड। तो पहला था गिव द अपोजिट ऑफ रिलेटेड, तो इसका हो जाएगा अनरिलेटेड। फिर था गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्टॉप, तो इसका हो जाएगा प्रिवेंट। फिर सी नंबर, राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसका हो जाएगा इन्फॉर्म्ड। फिर तीसरा क्वेश्चन भी बन गया होगा, चौथा भी बन गया होगा, पांचवा, छठवां। हम बात करते हैं सेक्शन सी की, तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स ए नंबर। तो पहला था आई हैव डैश फ्रेंड्स इन माय मुंबई, तो इसमें हो जाएगा मेनी। फिर दूसरा था विक्रम इज डैश एम ए इन इंग्लिश, तो इसका हो जाएगा एन। फिर सी नंबर, ही डिड नॉट बाई डैश एप्पल्स, तो इसका हो जाएगा एनी। फिर चौथा था वी डैश ओबे आवर टीचर्स, तो इसका हो जाएगा मस्ट। फिर ई नंबर, द चाइल्ड हैज डैश द टॉय, तो इसका हो जाएगा ब्रोकन। फिर है बी नंबर, डू आई डायरेक्टेड एनी फाइव करना था। तो पहला सीता डज नॉट लाइक एनिमल्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका हो जाएगा एनिमल्स आर नॉट लाइक्ड बाय सीता। फिर बी नंबर, द वेदर इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, तो इसका हो जाएगा द वेदर इज सो हॉट दैट टू गो आउटसाइड। फिर सी नंबर, दैट गोल्ड ग्लिटर्स नॉट इज ऑल, इसको आपको रीअरेंज करना था और रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो ये एक मुहावरा है, तो इसका हो जाएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फिर डी नंबर, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो इसमें आपको इफ़ की जगह में अनलेस का प्रयोग करना था। तो इसका हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, डू नॉट हट जाएगा, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। फिर पांचवा था आई डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट डू इट। फिर एफ नंबर, सुधीर गेव मी अ पेन चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो इसका हो जाएगा सुधीर गिव मी अ पेन। फिर क्वेश्चन नंबर एट एक्सट्रैक्ट था, ये बन गया होगा। इसका एक्सट्रैक्ट जो दूसरा क्वेश्चन था उस पर हम ध्यान देते हैं। गिव द एंटोनाइम ऑफ द वर्ड पीस, पीस का आपको विलोम शब्द लिखना था, तो इसका हो जाएगा डिस्टर्बेंस। फिर दूसरा एक्सट्रैक्ट था अथवा में, तो उसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पोएट एंड द पोएम, तो इस कविता का जो नाम है वो है द रोड नॉट टेकन, और इस पाठ के जो कवि हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर दूसरा डाइवर्ज्ड मीन्स, तो डाइवर्ज्ड मीन्स होता है टू डिफरेंट डायरेक्शंस। फिर तीसरा, फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो इसका हो जाएगा आपका डाइवर्ज्ड। फिर क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन आंसर था, आई होप बन गए होंगे। फिर दसवां भी क्वेश्चन आंसर था, बन गए होंगे। ग्यारहवां भी था, आई होप बन गए होंगे। हम ध्यान देते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ, जो था चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है टू क्लेवर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वेमेन आर, तो इसका हो जाएगा वाटर, सी नंबर वाटर एंड ग्रेन्स। फिर बी नंबर है When did भोज and the scholar meet in a village, तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर an old woman। फिर सी नंबर, who did not come to the giant's garden,
तो इसका हो जाएगा बी नंबर स्प्रिंग। फिर डी नंबर द आर्ट एंड स्टडी ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग इज कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर आर्किटेक्चर। फिर ई नंबर हु कंपोज्ड द पोएम द शेफर्ड, तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर विलियम ब्लेक। फिर है क्वेश्चन 13 बी मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, तो पहला है फ्रेग्रेंस, तो इसका हो जाएगा प्लीजिंग स्मेल। सेफर्ड, सेफर्ड का हो जाएगा सीप। पैराडाइज, पैराडाइज का हो जाएगा हीवन। आल्टर, तो इसका हो जाएगा ए हॉली टेबल। स्ट्राइव, तो इसका हो जाएगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव। तो दोस्तों ये रहा आज का जो जनरल इंग्लिश का पेपर हुआ है, आई होप आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। कल जो आपका पेपर होने वाला है बायोलॉजी का, तो उसके लिए मैंने जो पुराने पेपर थे 2018 के, उसका मैंने सॉल्यूशन खोजकर वीडियो डाल दिया है। कृपया जब आप पेपर देने जाएं तो एक बार उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि उससे आने की संभावना ज़्यादा है थोड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन घंटी बजा दें और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।